हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल लर्न इट वन क्लिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जिससे आप एसबी क्लर्क प्रीलिम्स जो मार्च और अप्रैल में होने वाले हैं उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। आपके साथ दो कंडीशन है इस बार। आपको सेक्शनल टाइमिंग मिला है रीजनिंग के लिए 20 मिनट, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। दूसरी चीज़, आपको जो रफ सीट प्रोवाइड की जाएगी वो बस एक सिंगल लेमिनेटेड रफ सीट प्रोवाइड की जाएगी। ये इस बार अभी पी एच कलर्ड मेन जो पेपर हुआ है उसमें ये फॉलो हुआ। आई होप कि कमिंग डेज में भी यही ट्रेंड फॉलो होगा अगर अभी पी एस कोई चेंजेस नहीं करता है तो, क्योंकि जितने बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशन होते हैं उसे अभी पी एस कंडक्ट कराती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू। ओके, तो इस वीडियो में हम वही सब सारी बातें करेंगे रीजनिंग के बारे में कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं रीजनिंग में, वो भी 20 मिनट में, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग इसमें आपको दिया हुआ है। कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि आपको मिनिमम इतना ही स्कोर करना है, बट फिर भी आपको रीजनिंग एप्टे इंग्लिश आपका जो पोर्शन स्ट्रांग है उसमें आपको बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जब सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो कट ऑफ एक मॉडरेट टू हाई ही रहेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट करना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और सेक्शनल टाइमिंग आपको लिमिटेड है तो लिमिटेड टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले, जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना भूलें। अगर आप डिसलाइक करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी व्यूज रखिए कि आपने क्यों डिसलाइक किया है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को इसकी हेल्प मिल पाए। ओके फ्रेंड्स, देखिए मेरी जो स्ट्रेटजी है मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से आप अभी से प्रिपेयर कीजिएगा तो आप 20 मिनट में मैक्सिमम 30 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं, मिनिमम 32 नंबर 20 मिनट में आराम से ला सकते हैं। बट आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभी से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और जितने डेज हैं 50, 55 डेज, 60 डेज जितने भी हैं 2 महीने के आसपास, तो अभी से आप कीजिएगा तो आई होप आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप आराम से 32 प्लस मार्क्स ला सकते हैं रीजनिंग में 20 मिनट में, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आप रीजनिंग पुअर भी है, अगर आपने रीजनिंग से डर लगता है, तो इन 20 मिनट में आप आराम से 25 से 28 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ ऑन एन एवरेज पुअर एंड स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दोनों के लिए है, जिसमें आप 30 मार्क्स इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं 30 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले चीज़ जो मैं एक फॉलो करता हूँ वो है पी मैक। आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप पी मैक स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। ये पी मैक का मतलब क्या होता है, पी मैक का मतलब है पहले कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। SBI रीजनिंग में पजल्स के लिए जाना जाता है। ओके, SBI PO हो या फिर क्लर्क लेवल का हो, उसमें पजल पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है। ओके, आपको लॉजिकल क्वेश्चन भी मेन में देखने को मिलते हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको प्रीलिम्स के बारे में बात बताऊंगा कि आप प्रीलिम्स आप कैसे मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको जो पैटर्न पता चल जाएगा तो आपको उसके लिए माइंड मैप तैयार करना होगा कि आपके पास इतने डेज बचे हुए हैं 55, अभी अभी तो प्रीलिम्स का डेट नहीं आया हुआ है, बट फिर भी एक्स्ट्रा टेंटेटिव डेट है कि मार्च, मिड मार्च से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक तक एग्जाम कंडक्ट हो गए। ओके, तो आपको एक माइंड मैप तैयार करना होगा कि आपको कितने दिनों तक आपको सारे सिलेबस कवर कर लेना है। ओके, इतने इतने दिनों तक कवर कर लेना है। तो आप एक चीज कीजिए, माइंड मैप के लिए एक स्क्वायर नोमा सीट लीजिए, जिसमें आप आज से 15 मार्च तक का डेट डिसाइड कर लीजिए। ओके, सपोज कीजिए आज 25 जैन है, 26, ऐसे ऐसे करके आप 15 मार्च तक का एक कैलेंडर टाइप का बना लीजिए, जिसमें जैसे जैसे डेट जाए आप ऐसे कट कर दीजिए, आपको पता चले कि हाँ आपके पास रिमेनिंग डेट कितने हैं। ओके, और उसी हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि हाँ आपको रीजनिंग में अगर सिलॉक्स नहीं आती तो आपको सिलॉक्स पहले करना है, इनइक्वालिटीज नहीं आती तो इनइक्वालिटीज करना है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, आपको कमांड हो जाएगा। तो माइंड मैप तैयार कीजिए, आपको कब टेस्ट सीरीज देना है वो सब कुछ आप खुद से माइंड मैप तैयार कीजिए। दूसरी चीज़, आप अपने एक्यूरेसी और स्पीड पर वर्क कीजिए। ओके, और आप जो भी क्वेश्चन करते हैं उस पर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने इस क्वेश्चन को सही बनाया है, आपकी अप्रोच सही है, और ये अप्रोच
कॉन्फिडेंस उसी समय आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। ओके तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताऊँ पैटर्न क्या है SBI कलर्क का एज कम्पेयर टू SBI PO। SBI कलर्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा आसान होता है एज कम्पेयर टू PO, क्योंकि PO में पेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट कलर्क के पेपर में आपको देखने को मिलेगा ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्लर्क लेवल का ये पोर्शन है, पीओ में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज नहीं आते हैं। फिर सीरीज मिलते हैं, सीरीज में क्या होता है आपको तीन तीन के पेयर में 5 सीरीज दिए रहते हैं और उसी बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके तो इसके क्वेश्चन मिलते हैं, सिलोजिशन में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इन इक्वेलिटीज के क्वेश्चन मिल जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मिल जाते हैं, पजल आपको मिल जाते हैं। एज कम्पेयर टू PO यहाँ पर पजल थोड़ा सा आसान होता है, फ्लोर टाइप का लीनियर सर्कुलर एंड मल्टी वेरिएबल पजल होता है जिसमें ब्लड रिलेशन भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ओके तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि PO का कौन कौन सा पोर्शन है और क्लर्क लेवल का कौन कौन पोर्शन है। PO में आपको ब्लड रिलेशन क्वेश्चन मिलते हैं, डायरेक्शन मिलते हैं, सिलोजिशम के मिलते हैं, इनइक्वलिटीज के मिलते हैं, कोड एंड डिकोड एंड पजल। ये जो पोर्शन सिलोजिशम, इनइक्वलिटीज, कोड एंड डिकोडिंग थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है। ओके तो ये आपको जानना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। अगर आप बैंकिंग कलर के साथ साथ PO की भी टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आप काफ़ी आराम से कर सकते हैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए। ओके तो आपको सबसे पहले चीज़ ये पता होना चाहिए आपको क्या क्या सिलेबस में है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टीज क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बट आसान क्वेश्चन से नहीं होता है। उनकी डिफिकल्ट करने की लॉजिक क्लियर होती है बट आसान में वो कभी कभी फंस जाते हैं, उनके टाइम कंज्यूम हो जाते हैं, जब डिफिकल्ट वो बहुत फास्ट कर लेते हैं। तो ये अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है, एफिशिएंसी के ऊपर है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप डिफिकल्ट के साथ साथ ईजी क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके लोग बोलते हैं कि गिफ्टल डिफिकल्ट लेवल की क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते तो आसान तो कर ही लेंगे, ऐसा नहीं होता। आसान लेवल और डिफिकल्ट लेवल दोनों की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ओके अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। सबसे पहले चीज, अगर आप अभी से रीजनिंग जीरो है और प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वर्क कीजिए डायरेक्शन पर, फिर ब्लड रिलेशन पर। यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके और आपकी ये स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप इतना प्रिपेयर कर लीजिए कि आप इन सारे ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन की क्वेश्चन को 2 से 2.5 मिनट के अंडर में सॉल्व कर लें। ओके क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो PO में रिजेक्ट हुए हैं, मेन में SBI PO मेन से रिजेक्ट होकर आए हुए हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी अलग है, उनकी स्पीड अलग है। तो आपको भी स्पीड एंड एक्यूरेसी को वर्क करके, अभी अगर आपको कोई एक क्वेश्चन करने में 3 मिनट लग रहा है तो उसी क्वेश्चन को करने में आपको बाद में 30 सेकेंड लगना चाहिए। ओके फ्रेंड, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो सबसे पहले डायरेक्शन से स्टार्ट कीजिए, फिर ब्लड रिलेशन से। ओके और आप डेली अगर इन पर डायरेक्शन के 5 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा कि आने वाले 10 से 12 दिन बाद आपकी ये स्पीड बढ़ जाएगी। कोई क्वेश्चन अगर आप 3 मिनट में हो रहे हैं तो कमिंग डेज में 10 to 12 डेज में वही क्वेश्चन आपसे 1 मिनट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप वर्क कीजिए कि हाँ इस 1 मिनट को आप कैसे 40 to 45 सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ओके तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ना वैसे वैसे लॉजिक क्लियर होती रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के बेस पर आपको पजल भी दे दिया जाता है। ओके फ्रेंड अब दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ सिलोजिशन। यह सिलोजिशम का 2 तरह का सेट आता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर क्वेश्चन में या फिर 3 नंबर के, डिफरेंट डिफरेंट सिलोजिशम बहुत आसान पूछे जाते हैं। अगर आपकी लॉजिक क्लियर है तो आप सिलोजिशम 5 क्वेश्चन को आप 2 मिनट के अंदर में सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि क्लर्क लेवल में जो सिलोजिशम पूछा जाता है वो बहुत आसान पूछा जाता है। PO लेवल में थोड़ा सा टॉप पूछ लिया जाता है बट क्लर्क लेवल में बहुत आसान पूछा जाता है। आई मीन कि सिलोजिशम आप देखते से आंसर कर सकते हैं, मैंने कि एक सिलोजिशम पढ़े आपको 5 सेकंड नहीं लगेगा आंसर देने अगर आपको कमांड हो जा रहा है तो। और मैं स्पेशली सिलोजिशम पर और इनइक्वलिटीज, कोडिंग डिकोडिंग पर इन टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कितना भी टिपिकल क्यों हो उस पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप एक मॉडरेट लेवल के स्टूडेंट हैं, आपको रीजनिंग से डर लगता है तो आप अपने आप को इतनी डेवलप कीजिए कि आप 5 क्वेश्चन को कम से कम 2 मिनट में सॉल्व कर लें। ओके और 3 क्वेश्चन आ रहा है तो 3 क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि 1.5 मिनट में सॉल्व कर लें। ओके आई मीन कि 90 सेकेंड आपको लगना चाहिए 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर मैं बता रहा हूँ कोडिंग, फिर आती है इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटी में जनरली 5 क्वेश्चन सेट आते हैं बट SBI प्री अगर सारे टॉपिक को इंसर्ट करता है तो उसमें 3-3 क्वेश्चन डाल देते हैं,
इनक्वालिटी से बहुत सारे इस पेपर में देखने को मिला है। तीन क्वेश्चन इनक्वालिटी से, तीन सिलोजिशन और तीन चार कोडिंग डिकोडिंग, दो तीन सीरीज से और 500 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक से आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक से जब भी क्वेश्चन आता है आपको फाइव फाइव के पेयर में आते हैं क्वेश्चन। ओके, इन इक्वलिटीज के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ किस डायरेक्शन में आप ओपन प्रोसीड कर रहे हैं और आपकी स्पीड ही वर्क करेगी और उसमें कुछ नहीं, इनक्वलिटी जनरल है। आपको बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। इसमें आपको इजी लेवल के, अगर 5 क्वेश्चन पूछा इजी लेवल के, आपको 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आपको मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे और 1 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो सारे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं और 5 के 5 क्वेश्चन आप 2 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं है आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, डायरेक्शन ब्लड रिलेशन से आप 5 5 क्वेश्चन डेली कीजिए, सिलोजिज्म से आपको 10 क्वेश्चन कीजिए, अगर आपके सारे टॉपिक क्लियर है तो। मैं बता रहा हूँ और जिन पर आपको थोड़ा सा डर लगता है, तो आप फिर इनइक्वालिटीज के 10 क्वेश्चन उठाइए, कोडिंग डिकोडिंग के 2 सेट उठाइए जिसमें 5 5 6 सेट होते हैं, सीरीज के आप जो इसमें अल्फा न्यूमेरिक शुरू जाते हैं जो 5 5 के 3 3 के पेयर में 5 आते हैं, तो उसके आप 10 क्वेश्चन उठाइए और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आप 2 सेट उठाइए। देखिए लगभग 5 10 20 लगभग यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आप 1 दिन में, तो आपकी स्पीड काफ़ी बन जाएगी, रिवीजन भी होते रहेगा। और इस 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप अपना टाइम रखिए कि आप 1 आवर मिनिमम आप रीजनिंग पर दे रहे हैं। ओके, स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 घंटा भी लग रहा है अगर, तो कोई बात नहीं है, आपकी रीजनिंग पुअर है, आप स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, कोडिंग डिकोडिंग की रही बात, क्लर्क लेवल के पेपर में आपको बस सिंपल फ्रेज कोड मिलती है, सिंपल कोडिंग डिकोडिंग मिलती है। आई मीन कि कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको का फा ना ऐसे रहता है, उससे उसे लिंक करना होता है 4 स्टेटमेंट में से। फिर सीरीज मैंने बताया कि 3 3 के पेयर में आपको कैरेक्टर दिए रहते हैं 5 जगह पर, फिर इन्हीं बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर नंबर भी हो सकता है या फिर अल्फाबेट भी हो सकता है, फिर दोनों का मिक्सअप भी हो सकता है। बोला जाता है कि यहाँ से 20 से 30 चीज़ को सब में से हटा दिया, फिर क्या क्या वर्ड पॉसिबिलिटी, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप देखते से आंसर दे सकते हैं। फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है, आप देखे होंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर नंबर सिंबल होते हैं और अल्फाबेट्स होते हैं, यानी पूरा स्क्रीन भरा रहता है, फिर स्लाइड्स करना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसा करने में। तो आपको मैं छोटी सी हेल्प दूंगा, अब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने रफ शीट पर उन सारे कैरेक्टरों को एक बार लिख लीजिए, क्योंकि बार बार स्लाइड्स करने के चक्कर में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये भी हो जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको रफ शीट नहीं मिलेगा, सिर्फ लेमिनेटेड शीट होगा, एक ही शीट होगा, उसको बार बार इरेज करना होगा। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लूँ। हाँ, तो आपको लेमिनेटेड शीट होगा उसी पर आपको बार बार मिटाकर करना हो। तो अब सिलोजिज्म में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इनक्वलिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोडिंग डिकोडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक सीट पर बन जाता है। सीरीज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आप पजल पर आइएगा, आपको जो अगर एक्सपे क्लर्क में 2 कम से कम पजल पूछे जाएंगे, या तो ये पजल सर्कुलर होंगे, लीनियर होंगे, फ्लोर बेस्ड हो सकते हैं, सिटी बेस्ड हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड हो सकते हैं, मतलब। तो जब पजल में आए तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पजल आपको 1 से 2 पेज कैरी करता है। ओके, तो आप अभी से एक एक हैबिट डालिए कि आप कोई भी पजल सॉल्व कर रहे हैं तो मिनिमम मैक्सिमम आपको उसी पेज में कवर कर लेना है। ओके, क्योंकि पजल में हम एक दूसरे से लिंक करते हैं, चार चार पॉसिबिलिटी चली जाती है, क्योंकि 6 6 पॉसिबिलिटी चले, फिर सबको एलिमिनेट करना होता है, तो आप उसी चीज़ को चले कि हाँ आप एक पेज पे पजल को सॉल्व कर लें। ओके, तो आपको पजल से डर लगता है, कोई बात नहीं, मैं पजल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप कोई भी पजल, मैम की एक मॉडरेट लेवल के पजल को आप मिनिमम 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा टाइम लगा तो प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा, और आप कम से कम सर्कुलर, लीनियर, फ्लोर बेस्ड और सिटी बेस्ड के पजल को कमांड कर लीजिए। और पजल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पजल से होंगे। तो आपकी एक स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप पजल को, दोनों पजल को 7 मिनट मैक्सिमम में सॉल्व कर लें। ओके, तो आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन तो वहां पर, फिर आप कम से कम डेली 4 पजल तो बनाना शुरू कर दे रही है अभी से, कहीं से भी आप किसी भी साइट से मिल रही है वहां से भी जाकर आप ले सकते हैं, अड्डा 24x7 से भी आप उठा सकते हैं पजल,
बहुत सारे ऐप हैं, क्रेडअप के ऐप हैं या फिर अफेयर्स क्लाउड के साइट से जाकर भी आप अच्छे अच्छे अफेयर्स क्लाउड में बहुत अच्छे पजल्स मिलते हैं, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। तो ये सब फ्री प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आकर आप पजल्स ले सकते हैं और वहाँ से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो रीजनिंग की रही बात, मैंने बताया इसमें अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर लीजिए। यूज कोशिश कीजिए कि आप पजल बना रहे हैं तो सिंगल सीट पर ही कवर कीजिए। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। बाय बाय।